दो वक्त की रोटी खाना भी अब मुश्किल हो गया है। लाहौर शहर में आटे की अदम दस्तयाबी और महंगे दामों फरोख का सिलसिला जारी है, जो कम आमदन तबके के बजट को आउट ऑफ कंट्रोल बना रहा है। नहीं नहीं नहीं, आटा आटा ऐसे नहीं मिल रहा, 100 रुपए किलो मिल रहा खुला। पता नहीं क्या है, सप्लाई चेन का कोई इशू होगा या कुछ होगा, लेकिन ये आउट ऑफ रीच होता जा रहा है। चक्की पर महंगा आटा और स्टोर्स पर सस्ते आटे की किल्लत शहरियों को परेशान कर रही है। चक्की और स्टोर मालकान गंदम की कीमत और डिमांड से कम सप्लाई को आटे के बहरान की वजह करार दे रहे हैं। डिमांड तो बेबा है, लेकिन जहाँ पे लाख थोड़ा की डिमांड है वहाँ 100 थोड़ा भी नहीं आता। ग्राहक आता वो उसने 6 अंडे लेने हैं, 2 रोटी लेनी है, किलो आटा लेना, आटा होते नहीं, वो कहता रहने दे यार सारा सामान लेने। कणक मिलेगी सस्ती तो तभी आटा सस्ता होगा, अगर कणक महंगी होगी तो ये या तो बंद करके घर जा बैठेंगे तो या फिर महंगा बेचेंगे। आटे की कीमत चक्की पर 116 रुपए किलो है, जबकि 10 और 20 किलो के थैलों वाला सस्ता आटा स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं। 15 किलो आटे का थैला 1550 रुपए, जबकि खुला आटा 100 से 120 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहर भर में महंगा आटा और अदम दस्तियाबी का सिलसिला जारी है। आवाम तो परेशान है, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जो मामले को मजीद बढ़ा रही है। कैमरामैन जायद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर।